हेलो फ्रेंड, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल राज कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मेरा आज का जो कंटेंट है वो है कि इन दिनों में अपना समय कैसे यूटिलाइज करें। अभी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के चलते अभी 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन घोषित कर दिया है, तो सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि अब हम घर में रहेंगे, बोर हो जाएंगे, हमारा टाइम पास कैसे होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगी, आप अपने आप को बिजी रखें। यदि आप अपने आप को बिजी रखोगे तो आपका ये समय कैसे चुटकियों में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है साफ सफाई। हम अक्सर यही एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब तो हमारे पास समय ही समय है। तो आप जैसे कि आपकी कोई इम्पोर्टेंट फाइल्स, बिल अगर इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो आपको उसे अच्छे से व्यवस्थित कर रख सकते हैं, प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, ताकि आपको दोबारा ढूंढने में दिक्कत ना हो। और मेरा सेकंड पॉइंट है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप वो कंफर्ट फील करते हो और उनके साथ चैट कर सकते हो। ऐसे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपका काफ़ी समय अच्छे से स्पेंड होगा। और मेरा थर्ड पॉइंट है वो है कि बच्चों की हमेशा अपने माँ बाप से यही शिकायत रहती है कि ये हमारे साथ अपना समय, हमें समय नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना है कि आपको बच्चों के साथ कुछ समय के लिए बच्चे बन जाना है, उनके साथ खेलना है, उनकी साइकोलॉजी समझें। अगर आप उनके साथ खेलोगे, कुछ टाइम स्पेंड करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आप बच्चों को टीवी और नेट से दूर रखें और अपने बचपन के कुछ अनुभव उनके साथ शेयर करें। ऐसे बच्चों को और आपको दोनों को बहुत अच्छे से फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। और मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ सकें। उनके साथ बैठिए, अपने दुख सुख शेयर कीजिए। ये भी एक अच्छा आपको मौका मिला है कि आप एक साथ एक फैमिली, एक घर के अंदर बैठकर अपने दुख सुख बोल सकते हो। और मेरा सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप किचन में बहुत सारी रेसिपी बनाना सीख सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो कि ये कैसे बनाना है, सीख सकते हो कि ये कैसे बनाना है। ऐसे आपका और आपकी फैमिली का भी अच्छे से टाइम स्पेंड होगा। और मेरा सेवन्थ पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी कोई पुरानी बचपन की फोटोज निकाल कर देख सकते हो, कहीं ट्रिप पर गए हो वो फोटोज निकाल कर देख सकते हो और अपने मेमोरेबल मोमेंट्स को याद कर सकते हो, जिनको देखने के लिए हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है। अब इस समय आप ये चीज कर सकते हो। और मेरा एट पॉइंट जो है वो ये है कि आप जिस फील्ड से हो आप उस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज नेट से इकट्ठा कर सकते हो। इस समय आपके पास काफ़ी समय है कि आप अपने नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सकते हो। और मेरा नाइन्थ पॉइंट है कि आप अच्छी अच्छी मूवीज देख सकते हो, अच्छा सा मधुर संगीत सुन सकते हो, इससे भी आपके माइंड को और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और 10 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ के साथ उनके काम में हाथ बटाएं, उनकी हेल्प करें। ऐसा करने से क्या होता है कि उनको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी और आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। कर दिया ना मैंने आपका काम आसान? तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे फिर से दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ही भूलिए मत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप मुझे दोबारा से फिर से देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।